फ्रेंड्स, मैं होटल किंदर कैलाश में हूँ। ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का होटल है एंड दिस इज आई डोंट नो सम सन शो रूम। यहाँ से आपको महादेव देख जाते हैं, बहुत ही छोटी पीक में। मैं आपको बाद में जूम में बता दूंगा। एंड आई गॉट दिस रूम, दे गिव मी अ नाइस डिस्काउंट, अ वेरी गुड लेडी। रास्ता बंद है, कब खुलेगा पता नहीं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट में दे दिया। एक्चुअली ये रूम इज अराउंड 4500, आई गॉट इट अराउंड 2500। She gave me a single person discount, a very nice lady. I told her I might be staying here tomorrow also. But all in all, good. At least I have a good view, nice service. और देखते हैं अभी जब महादेव की इच्छा और रास्ता खुले तब तक कुछ ना कुछ यहाँ पे महादेव की छत्र छाया में कर ही लेंगे। रोड अभी भी खुली नहीं है एंड आई कैनॉट टेक अ रिस्क कब खुलेगी, बिकॉज अगर दो दिन में नहीं खुली तो इट लुक्स लाइक अ मेजर प्रॉब्लम। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू गो टू मनाली काजा। इट वुड बी अ लॉन्ग ड्राइव। My first target is to get some spare petrol. अब पता नहीं यहाँ पे पंप पे पेट्रोल है कि नहीं, तो that will decide whether I will be able to go to Gaza or not. It's 200 kilometers from here. It's 8:30. Planning to leave by 9 and hopefully hit the road by 10. And जैसे महादेव की इच्छा, तो अभी तो महादेव ढके हुए हैं। यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए और कार्य सफल हो गया और अब जहाँ वो ले चले उनके ही कृपा में जीना है। गोइंग टू काजा, पेट्रोल कितना है मालूम नहीं मुझे गाड़ी में। कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पेट्रोल मिल जाए। अब काजा तक तो नीचे ढलानी है, सो आई हैव टू गो लाइक दिस विदाउट पेट्रोल। एक्चुअली आई रिक्वायर 2 to 6 liters। अरे यहाँ पे किसी के पास खुले में 5-6 liter ऑफ पेट्रोल मिल जाएगा क्या आगे पेट्रोल पंप पे? नहीं, पीओ में मिल जाएगा, चांसेस है। आई एम ट्राइंग टू गेट इट इन ब्लैक आल्सो, आई डोंट नो, द वेदर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फाइनली हिमाचली हॉस्पिटैलिटी काम आ गई। आई गॉट 6 liters ऑलमोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूल। ऑफकोर्स मैं अभी आधा टंकी पे हूँ, सो प्रॉबेबली 9 liters ऑफ फ्यूल, आई थिंक सो दैट शुड बी इनफ फॉर मी टू गेट टू काजा। एंड बीच में रूम में एक पेट्रोल पंप है, शायद मुझे भी याद है लास्ट टाइम मैं गया था, वो खुली वहाँ पे अपनी टंकी फुल करा लूँगा एंड देन आई एम गुड टू गो। सो वंस आई रीच काजा एंड देन प्रोबेबली वंस आई रीच मनाली इट इज़ फाइन। सो 350 kilometers ऑफ ओडिसी वेटिंग फॉर मी थ्रू दिस लैंड्स ऑफ किन्नौर एंड अनप्लान्ड ट्रिप। यहाँ से शिमला सिर्फ 236 kilometers है और अब मुझे ऑलमोस्ट 653 kilometers चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा, मीन्स 200 to 250 kilometers मोर। एंड इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग, आई एम फाइनली स्टार्टिंग माई मूव टू काजा एंड आई डोंट नो 6 घंटे शायद लग जाए, तो प्रॉबेबली आई एम एमिंग टू रीच देयर बाय 4-5 इन द इवनिंग इफ ऑल गोज वेल, इफ रोड्स आर ओपन। ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड आई होप महादेव आर ब्लेसेस मी and I reached Gaza in one piece. Final views of the majestic lands of Kinnaur. I always come here back, whatever the road conditions, does not matter. I just hope the road from Gaza to Manali is incident free. Finally on my way to Pooch, Kalpa, raste pe aa gaya hu, taken the leap of faith. जैसे बड़ा ये लग रहा है कि यार पीछे से देख के शिमला खाली 236 किलोमीटर है और अभी मुझे यहाँ से शिमला माइट भी आई डोंट नो हाउ फार है यार, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ टू गोट एडजस्ट। अब मेरा फ्लाइट 14 का है, आई डोंट नो सी इफ आई स्ट्रेच इट आई कैन रीच शिमला ऑन 14 टुडे, इफ आई रीच कल्पा सॉरी काजा देन टुमारो मनाली विच इज 11th इज काजा, 12th इज मनाली, 13th इज शिमला, 14th इज चंडीगढ़, बट आई डोंट नो, I'll take a call in Manali. If I'm like really tired, I might extend it a day. If not, I'll just go. So it all depends upon the stretch between this to this. The bike, my endurance, and everything is going to be tested. It is not that I have not done long roads. मतलब मैंने सच पास किया है। मतलब ये आपको बहुत देखिए कैसा होता है कि your mindset is already prepared for it. This trip. This one was not prepared and hopefully because it is a military road, the roads are really good. That's what I have been told till Gaza, maybe some patrol here and there. उसके बाद फिर देखते हैं कैसे
क्या होता है, गाजा से लेके जो रोहतांग पास का रास्ता है लूसर बर्टन का, वो थोड़ा सा डाइसी है। आई होप आई हैव लाइक टाइड माय बैक प्रॉपरली, इन्वेस्ट इन सम नाइस रोप्स बिकॉज दिस रबर रोप्स आर लाइक नॉट दैट गुड, और मे बी आई हैव टू लर्न हाउ टू टाई इट टू द स्कूटर द लगेज, बट ऑल एंड ऑल वंडरफुल। आई कीप गिविंग यू गुड साइट्स फ्रॉम दिस रोड एंड लेट्स सी व्हाट इट्स इन स्टोर अहेड। लॉट्स ऑफ लैंडस्लाइड यू कैन सी हियर, पत्थर गिर रहे हैं, संभाल के जाना पड़ेगा मुझे भी क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि दिस रोड इज फ्री ऑफ लैंडस्लाइड, यहाँ पे भी पत्थर गिरते रहते हैं और पता नहीं चलता है कब कहाँ से क्या ढलान गिरे, कहाँ से पत्थर आके कौन से पत्थर पे आपका नाम लिखा हो, बट दैट इज द चैलेंजेस यू टेक विद दिस काइंड ऑफ इट्स ऑल महादेव लाइक यू नो लाइक यू कांट डू एनीथिंग। सब देखो जैसे यहाँ पे आपको पत्थर दिख रहे हैं और नो जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग। As you see, we are now slowly approaching this famous cutthroats, rock cutthroats. इस रास्ते की खासियत ऐसी है कि जैसे जैसे आप एलिवेशन गेन करते जाएंगे यू विल सी इट इज बिकमिंग मोर बैरन एंड बैरन। इट इज नोन एज अ कोल्ड डेजर्ट फॉर मोस्ट टाइम्स पीरियड्स। दिस वैली वॉज टोटली कट ऑफ, दिस वॉज द फर्स्ट वैली व्हेन कोरोना केम, दे सेड वी डोंट वॉन्ट एनी टूरिस्ट, दे जस्ट कट इट ऑफ and it has been very isolated, the culture is amazing. Abhi bhi ye valley puri tarike se agar hum bolenge to explore bhi nahi hai ke area nahi aisa hai ki puri tarike se ye jatat jaise nahi hai ki aap bole ki puri flat hai, of course it is flat but still you know it's not explored, the culture is still very unique, amazing and abhi to ye raste ban gaye hain lekin main yahan pe I think so this is my third of food visit here in a span of 20 years and I'm really amazed at the roads and all around here. Lekin ye iske jo iconic structure jo aapko dikh rahe hai aage, you know like road cut beautiful, ye pani gir raha hai upar se aur andar se ja rahe hai, like a barren land and it's very beautiful, you know. And chalo ye to main luck se abhi ye raaste bike pe kar raha hu, Mahadev ki ichha hi hogi ki main ye pura area cover karu, तो मैं कर रहा हूँ और अगर आपको ये इंस्पायर कर रहा है तो आप प्लीज यहाँ पे बाइक लेके आए, तो बाइकर्स पैराडाइज इज ऑल वैली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हायर वैली सर बाइकर्स पैराडाइज। ऑफ कोर्स बी केयरफुल, टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन क्लियर, जैसे मैंने बोला कि पेट्रोल अपने साथ रखना ही, भले रास्ता खुला हो ना हो, जितना आपकी टंकी है उसकी हाफ टंकी तो अपने साथ रिजर्व में रखना ही, पेट्रोल कभी भी लग सकता है स्पेशली इफ यू कम टू दिस वैली एंड then you know you are like into tension free right, ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पे तेल का ही होता है, बाकी तो चलो ठीक है यार आपकी मदद मिल जाती है, लोग बड़े like people are very very helpful here, आपने मुझे ये दे दिया, there was a road up there but that I never crossed over to the opposite side, maybe this is a new road that we made, because I remember there was a road up there but I don't know, maybe I am wrong. बड़ा अच्छा लग रहा है ये रस्तों पे चलाने के लिए, नीचे आप कशांग रिवर देख रहे हैं, प्रॉब्लली कमी है तो होपफुली ब्रह्मपुर बादल में लोकअप होगा, आई विल हैव टू क्रॉस दैट एरिया वेरी अर्ली मॉर्निंग एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड पू इज 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो वहाँ पे मैं अपनी टंकी को फुली फिल करा सकूंगा, देन आई हैव गॉट नो टेंशन इन मनाली एंड होप यू आर एंजॉयिंग दिस व्यूज। आई एम सॉरी सेल्फी स्टिक है नहीं तो मैं आपको पर्सपेक्टिव नहीं दे सकता, लेकिन कल मैंने कुछ जुगाड़ किया है तो पता नहीं अभी नए एंगल्स कैसे दिखेंगे, तो आई हैव टू अटैच इट टू माई हेलमेट, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट टाइम टू अटैच इट टू माई हेलमेट बिकॉज वो एडेसिव को 24 आवर्स या मिनिमम 12 आवर्स तो लगते हैं हेलमेट को चिपकने के लिए, सो प्रॉबेबली यू विल गेट दोस व्यूज tomorrow from Sagar to Manali, but today I hope you're still enjoying this perspective and just come here Biker's Paradise and I hope the weather stays like this, no rains, sun is fine in this weather as long as the scooter is moving and hopefully I can transfer some of the videos back somewhere because memory khatam hote ja rahi hai aur maine kuch aisa laya nahi hai jisse isko main transfer kar sakun, और मैंने एक्स्ट्रा एसडी कार्ड भी मैं घर पे भूल गया क्योंकि आई थॉट लाइक छोटे से ट्रिप के लिए कितना ही मेमोरी लगेगा, बट अगेन अ लेसन लर्न द हार्ड वे, ऑलवेज कीप मोर मेमोरी कार्ड विद यू स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग 360
and you want the full range of it. तो अभी मेरे पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जस्ट बाईपास में उड़न से जा रहे हैं और जो आपको अभी क्लिप में दिख रहा है ये पांडवकालीन किला है महाभारत का। मैं इसे विजिट कर चुका हूँ मेरे लास्ट ट्रिप में। तो आपको यहीं से पीछे से 20 मीटर पीछे से एक ब्रिज आता है नीचे से, यू कैन गो देयर एंड विजिट इट। इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट। और यहाँ पे भी हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों फॉलो होता है बट बुद्धिज्म ज़्यादा है। मेला लगता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था ये पूरा रास्ता इतना डस्टी था। मैं एक्चुअली आई जस्ट ओवर शॉट इट बिकॉज ये क्या रहता है कि आपके मेमोरी में वही रहता है। आई जस्ट फेल्ट दैट यू नो मेबी आई सीन दिस मेबी आई नॉट सीन दिस बट एक बार वो किला देख लिया तो पता चल गया अरे भाई ये पूरंगी है। तो या आप अगर यहाँ पे इस रास्ते पे आ रहे हैं तो प्लीज मेक अ स्टॉप ओवर, इट जस्ट लाइक 2 किलोमीटर्स डाउन एंड नाउ द रोड सीम्स प्रीटी गुड। तो वो किला देख के आइए, रियली नाइस। महाभारत कालीन है बट इट इज मेड इन वेरी वेरी एंशियंट स्टाइल, वन ऑफ द एंशियंट हेरिटेज आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस रीजन। एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्कूल एंड आई विल कीप ऑन गिविंग यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एज आई रीच दिस डिफरेंट विलेजेस। पूरंग पू नाको तापो, ऑफकोर्स नाको लेट नहीं जा पाऊंगा बिकॉज इट इज इनसाइड। और मे बी आई कैन विजिट इट ऑल्सो, आई डोंट नो हाउ फार इट इज। और पर एक मम्मी भी है जो जो ओल्डेस्ट मम्मी कहते हैं मम्मीफाइड, वो इट इज जस्ट एट द कस्प ऑफ किन्नौर एंड स्पिटी। यू स्टिल इन किन्नौर वैली, स्पिटी वैली स्टार्ट हुआ नहीं अब तक। मे बी जब स्पिटी वैली स्टार्ट होगा दिख जाएगा साइड। एंड जैसे आप देख रहे हैं स्कूटर के अंदर बहुत वाइब्रेशन हो रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी हिली एंड इट इज एक्सपेक्टेड ऑन सच रोड्स, वैली कट रोड्स विद रिवर ऑन वन साइड एंड the open road on other side, that you will get a lot of turbulence. So you have to just be very careful of the balance here and be very very focused. Aur ek 105 kilometers kaza to bhul hi jaiye, main abhi usko apne system mein se nikal diya hu kyunki bada lamba hai. Jab tak wo under 100 nahi aata uske bare mein baat karna zaruri nahi, matlab koi matlab hi nahi banta. But wow, at least you can see this this Kashang river bed. वैली में बहुत मिनरल्स मिलते हैं आपको नीचे पानी में। यू कैन गेट नाइस जेमस्टोन्स आल्सो इफ यू आर वन ऑफ द जेमोलॉजिस्ट हु नोस व्हाट यू कैन फाइंड हियर। एज आई सेड इट्स अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड लैंड, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अनटच्ड वैली। बहुत अभी अभी ही अभी है ये वैली, इसके पहले ये वैली बहुत सालों तक बंद थी। 20 साल पहले 25 साल पहले धीरे धीरे टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे। आई वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट टूरिस्ट टू बी हियर। बाइकर्स पैराडाइज आई नो, इसके पास भी बाइक्स है को यहाँ पे चलाने की इच्छा होती रहेगी, होनी भी चाहिए। बस दिस इज इंडिया, दिस इज भारत, हमारा देश, डाइवर्सिटी एंड कल्चर एंड वी शुड एम्ब्रेस इट। एंड वंडरफुल बीआरओ, हैट्स ऑफ टू बीआरओ जो रास्ते बनाए, जो लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था और अभी जो ये रास्ते बने इट्स लाइक अमेजिंग। सो पीस ऑफ वंडर, डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, इट्स सो डिफिकल्ट टू मेक रोड्स ऑन इन दिस पैच। चलेंगे वहां से लेते, पूरा लैंडस्लाइड का रास्ता है, पत्थर गिर रहे नीचे। एंड अगेन वन पैच इज कमिंग। अब देखो एक ऐसे माउंटेन को कट करके वो अंदर से रास्ते बनाने पड़ते हैं जस्ट कीप द कनेक्टिविटी एंड आप बॉर्डर सेफ। इट्स सच अ हार्ड लाइफ। हम तो यहाँ पे एडवेंचर मजा करने आते हैं बट यू नो दिस इज अ डेली कम्यूट फॉर देम फ्रॉम वन कैंटोनमेंट टू अनदर, वन पोस्ट टू अनदर एंड इट्स really commendable. So अभी मैं स्पिलो से गुजर रहा हूँ। दिस इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट आफ्टर मोरंग सेकेंड जहाँ पे आपको सुविधाएं थोड़ी मिल सकती है। और याद रखिए इसके बाद से एक शूटिंग एरिया स्टार्ट होता है, स्लाइड एरिया। तो यह रियली सो दिस इज अ टेम्पल गुरु माता का। All people, many people as you see stop here, pay their obeisances, obeisances to the Mata. यहाँ पे माता का इसलिए मैंने कहा हिमाचल में देवी का स्थान है, ये शक्ति का स्थान है। यहाँ पे शिवजी की शक्ति होती है, उनका विसर्ग होता है। और जो उत्तराखंड है ये शिवजी के शक्ति के समारूप है, अथवा जैसे हम कह सकते हैं इट इज लाइक अ पोटेंशियल एनर्जी।
it's like completely absorbed energy, and this is like a kinetic energy, Himachal, like it's just pura surf ho raha hai. So yahan pe aapko bahut energy milti hai, bahut power milti hai Himachal. It's like the vortex. Further up, beach mantra karte hai, tantra karte hai, if you want to really connect with yourself, Himachal is the place that you should be coming and like trying out sound breath resonance. Beautiful, I just love this state. My favorite state in the country. I just love it. If you know, it has its own problems, but just unparalleled. You know, matlab aap yahan pe kahin pe bhi jao, aap Parvati Valley jao, aapke ka alag flavor hai. Aap Chamba Valley jao, alag flavor hai. Aap Barmaur jao, alag flavor hai. Aap Kinnaur jao, alag flavor hai. Aap Piti jao, Lahore jao, alag alag flavors hai. To Kangra Valley jao, alag flavor hai. Every valley has its own charm and own energy vortex with their own beautiful customs. Everything. It's like people tell creative experts, and but I think everybody should travel Himachal on their own. Beautiful, beautiful state. Yes, sir. ये वरदान है शिवजी का, मुझे लगता है ये state हमारे देश को ये वरदान है, ये देवभूमि इसको सही पता इसे बोलते हैं. और I can't imagine my life not coming to this state every year at least once. I've done all of it, yet I feel I've done nothing. अब मैं पू से कुछ 11 किलोमीटर पहले हूँ और यहीं से एक डाइवर्जन आता है जो अभी मेरे पीछे के जो रास्ता आप देख रहे हैं वो जाता है रोपा वैली को. इट इज़ अ वेरी अनटच्ड डेस्टिनेशन. कभी आप ये साइड जाएंगे तो उसको थोड़ा आप सर्च करके यू कैन विजिट इट. इट्स वेरी ब्यूटीफुल वैली एंड अभी वहाँ पे सड़क बन गई है. पहले आपको इतनी कच्ची सड़क थी तो नहीं बनी थी, अभी सड़क बन गई है. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज देयर एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफबीट डेस्टिनेशन. एंड मैं गया नहीं हूँ कभी, मगर अब ध्यान में आ गया है कि यहाँ से कुछ रास्ता है तो डेफिनेटली मैं भी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जाऊँ. तो नाउ एज यू सी आई एम अप्रोचिंग द बैरन लैंड्स. अभी तक स्पीति पहुँचा नहीं हूँ. इट्स नॉट स्पीति, स्टिल किन्नौर. बट जैसे जैसे आप देखेंगे वेजिटेशन कम होते जाएगा, ग्रीनरी कम होते जाएगी, आई विल बी एंटरिंग स्पीति. आई डेफिनेटली टेल यू व्हेन दैट थिंग हैपेंस. Pooh is 11 kilometers, fuel is quarter tank, and I hope if I get some fuel in Pooh, I'm going to definitely fill up my tank. Tension nahi chahiye. Pata nahi Gaza mein kabhi kabhi fuel hota nahi hai, Gaza mein petrol khatam ho jata hai. Last mein mera bahut do teen baar anubhav raha hai ki kabhi kabhi fuel khatam ho jata hai, fir aapko shaam tak rukna padta hai Gaza ke liye. Mahadeva's grace that I am taking this road. I'm really happy now that I have taken this route. थोड़ा आलसी गिरी कर रहा था लेकिन अगर पेट्रोल वेट्रोल सब होता तो सोच रहा था कि कल ही मनाली पहुँच जाता था मैं. इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता, आज भी देखता, थोड़ा रिलैक्स करता, फील करता और कल फिर मैं शिमला को निकल लेता. नॉट टू बी दैट्स इट. सो वेन एवर यू आर इन अ फिक्स, कीप मूविंग इन लाइफ, डोंट स्टॉप. Sometimes you stop for things to get better. लेकिन अगर दिल से फीलिंग आए कि नहीं होने वाला है, बहुत से लोगों से आपको एक एक ये मिल जाती है ना, न्यूज़ मिल जाती है कि नहीं होने वाला है. सो बिकॉज इन लाइफ वी ओनली हियर व्हाट वी वांट टू हियर एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज गेट स्टक इन लाइफ. समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू समथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू हियर एंड ऑल्सो ट्राई एवरी पॉसिबिलिटी विच अ पॉसिबिलिटी विच कैन बी अ पॉसिबिलिटी. एंड yeah, for the first time I did not listen to my heart. No, I had just got over my fatigue out from the trek and said ki chalo yaar rasta band ho gaya hai to taza manali jaate kya hoga, 350 km hi jaate hai to acha hi ho jata. But listen to it. Now I'm entering Pooh village aur hopefully yahan pe petrol pump hona chahiye. तो देयर इज अ पेट्रोल पंप हियर देन आल्सो फाइन एंड आई गेट एट लीस्ट लाइक 2-3 लीटर्स. मेरा काम बन गया तो मुझे फिर आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं. ताज़ा में भी देखने की जरूरत नहीं, नहीं मिला तो फिर आई विल बी गुड. नाउ आल्सो आई एम गुड इनफ, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई गॉट 6 लीटर्स इन अपलोड 1-2 टन बट बेटर टू हैव मोर देन टू हैव नथिंग. सो आई जस्ट प्ले इट सेफ एंड फिल अप माय टैंक. मिल्ट्री एरिया ऊपर की तरफ से आपको दिख रहा है, पूरा मिल्ट्री एरिया है. यहाँ से भी लेफ्ट में मेरे एंड कंटोनमेंट, आई विल से कंटोनमेंट.
ऑलमोस्ट 8,000 फीट पे हूँ, बट दिक्कत नहीं है पेट्रोल पंप शायद पूछना भी पड़ेगा मुझे तो बी आर एफ पे क्या स्थित रहेगा। तो उन्होंने कहा 300 मीटर पे, 300 मीटर मतलब कितना मीटर होता है क्या हमारा, बट लेट गो एंड आस्क समवन देयर इज अ पेट्रोल पंप हियर समवेयर। अरे भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप है क्या, आगे आगे है ना, थैंक यू। So, yeah, be very careful with female drivers. I'm not a sexist, but somehow I'm very careful with them when they are parking or when they are going out. Two things are. Here the petrol comes from down, so he only gave me 200 rupees petrol, which is 2 liters, which is fine for me, to be quite honest, because 5 liter hai beech mein, to mera tanki bhi full ho gaya, bhai aur thoda hi zyada jata tha, maximum 1 liter aadha liter hi jata, 250 ka hi jata tha, the most 240-250 ka hi jata hai, so no, I'm not worried, I'm good till Kaza now. डिस्टेंस भाई इधर थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है, कहीं से भी पत्थर आ जाते हैं। टू व्हीलर के एडवांटेजेस है, वो डिसएडवांटेजेस भी है कि लूज या बैलेंस इस स्टेट में भी इधर कशन के। क्या मुद्दा आता रहेगा यहाँ पर, ये स्नो क्लैड माउंटेन्स रहेंगे, एंड ये स्टेइंग इन दिस इग्लू टाइप टेंट्स वेंटिलेटेड। सो आई एम क्रॉसिंग द Dublin Bridge almost at 2,500 meters, and I'm going over again to the next valley. Upar aap dekhte rahe bahut sare ghar hain. मतलब यहाँ पे मैं जितना कैप्चर करूँ उतना कम है, मेरे पास कुछ 48 मिनट्स का फुटेज रह गया है, सो एक एक दो दो मिनट मुझे क्लिपिंग्स भी करने पड़ेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस लाइक लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्क। मतलब मैं बीआरओ के प्रेसेस तो गाता ही रहता हूँ, बट अभी मुझे एकदम, आप जब भूटान जाएंगे ना, तो भूटान में आपको जैसे व्यूज मिलते हैं वैसे जरा ड्राइव करके जाएंगे फ्रॉम फूट शॉलिंग टू थिम्पू, बहुत पहले मैं गया था, यू गेट दिस काइंड ऑफ अ व्यूज लाइक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स। अभी तो थोड़ा मुश्किल हो गया है, हाँ स्कूटर लेके जा सकते थिम्पू पारो तक, बट आई जनरली वॉन्ट टू डू सेंट्रल एंड ईस्टर्न भूटान, तो वहाँ पे सेल्फ ड्राइव वो लोग अलाउ नहीं करते, सो सैड दैट आई कैन नॉट विजिट दोस पार्ट्स एंड गो ओवर द हाईएस्ट पास इन भूटान। द वेदर इज ब्यूटीफुल एंड इट्स सनी, नो रेन्स, एब्सोल्युटली क्लिक विद द ड्राइविंग। बड़ी प्यास लगेगी आपको यहाँ पे, मैंने पानी पिया नहीं है, तो आई डोंट नो इफ आई फाइंड सम शॉप और बाय समथिंग। कैश बहुत लगता है यहाँ पे, अगर इतना कैश पड़ा हुआ नहीं, मतलब मुझे कब कभी पता नहीं चलता है कि कितना फुटेज लेना चाहिए कितना फुटेज नहीं लेना चाहिए, बट ट्राइंग माई बेस्ट। फर्स्ट टाइम आई डू 360 व्लॉग, आई रियली फॉलो द लव विद डूइंग 360 स्कूटर मोटर व्लॉग्स। ऑन दिस फेमस पुल यहाँ पे बहुत लोग फोटोग्राफी करते हैं, बिकॉज करना भी चाहिए क्योंकि अच्छा है, और लोग ट्रैफिक भी बहुत कम है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि रास्ते बंद हो गए तो तेल की किल्लत है, मतलब ये रास्ता कितना भी रिकॉर्ड करूँ कमी है। अवेयर दैट आई नो आई हैव बट लेस मेमोरी विथ मी।
Now you see how high I have to climb. It is going to be a really challenge in the scooter to climb that high. So zigzag मारना पड़ेगा मुझे because उसी से pickup आएगा. जैसे patches आ रहे हैं ना बीच में थोड़े slope वाले patches, उससे क्या होता है कि थोड़ा pickup अच्छा मिल जाता है. बड़ा दिक्कत ये That is my next target soon. So switchback said, actually I wanted to show you that bird's eye view, जहाँ पे आगे जाके आप पूरा स्कूटर देख सकते हैं, but unfortunately I cannot. आप एक अलग ही प्लैनेट पे आ गए ऐसा लगता है आपको. एंजॉय द स्विचबैक्स गोइंग फ्रॉम वन वैली टू अनदर. Finally, I have mounted my camera with lot of efforts in a perspective way. मुझे पता नहीं कि ये कितना चलेगा, कैसा चलेगा. But I hope it doesn't fall down. And I hope the stabilization takes care of the box. रास्ता अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर इसे चलाने के लिए. But I think not only people are front on to and only option I have to take space now for this camera is to delete certain footage which I feel is very unusable. So चलो एक कैमरा सेटअप करने में ऑलमोस्ट मेरा हाफ एन आवर एक्स्ट्रा चला गया. एंड एक बार क्या होता है कि मोशन टूट जाता है व्हेन यू आर ड्राइविंग देन वी अगेन हैव टू रीस्टार्ट योर कैलिब्रेशन. बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्लॉग दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. So I got a helmet now. Helmet ka jo angle hai, I don't know people like it, I don't like it much, I don't find it very safe because pata nahi chalta hai ki kya hai. So this is a road, I think so, yeah. Public health center. So bahut saal pehle main yahan pe car leke aaya tha aur tabhi maine ek bande ko double seat scooter pe jaate the, scooter pe nahi scooty bol sakta hu usse. I got very impressed and I say, man, if one can, people get to double seat scooty, then why can't I drive a scooter here? And do you know that after 4-5 years, whatever you manifest, whatever you think gets manifested. Absolutely not planned to be on this road. And yet I'm on this road doing vlogging with a 360 camera. No, Mahadeva has his own ways of doing stuff. Anyways, now we're going to Nako. This is Nako, a high-end lake. It is 14 kilometers from here and ये पूरा घाटी को आप सामने दिख रही है, आपने चढ़ के नहीं है. So right now you have got a very good perspective view and as I said that I'll have to do, I have only 23 minutes of footage left and I have to see the full Khaza. So I'll be using 112 minute footage and then probably try to see if I can find some other card if I've got them with me. So नहीं लाया होगा तो I'll have to do the next video. In Nako village, getting this kind of air issue here because as you can see, this scooter है और इसमें एक air pressure है. आपको दिख रहा है आपको Nako village है और अब मैं Nako village पास कर चुका हूँ. I am at a very high height and very scooter मैंने बीच में कोई बंद कर नहीं थी क्योंकि मुझे कुछ calls करने थे और after that I think इसके अंदर air चली गई. स्टार्ट होने के लिए क्योंकि यहाँ पे एयर पतली है तो फ्यूल ऑक्सीजन मिक्सचर नहीं होता है. ग्लैड आई कॉल्ड माय फ्रेंड सुदीप टू गिव अस स्कूटर ऑन हिज राइड. मेरे तक तो उसका बहुत स्कूटर भी हुआ है तो उसने मुझे एक आइडिया बताया कि टू जस्ट गिव अप स्टैंड
फ्यूल टैंक ओपन करो, स्टार्ट करो, सिलेक्ट द एयर, गो आउट, प्रेशर बिल्ड हो गया रहेगा तो जस्ट रिलीज. या सो आई डोंट नो बट समहाउ यू नो अभी भी देखो जैसे स्कूटर है थोड़े झटके मार रही है थोड़ी थोड़ी बिकॉज आई एट अ वेरी बिग हाइट द मोमेंट आई स्टार्ट गोइंग डाउन इट विल बी ग्रेट. सो आई थिंक एक्सेस स्टिल द बेटर ऑप्शन. 125 सच पास, गंगोत्री, यमुनोत्री, डन एवरीथिंग. दिस इज अमेजिंग स्कूटर बट नाउ इट विल बी टेस्टेड बिकॉज ये तो अभी से मैं कितने हाइट पे हूँ मुझे नहीं मालूम है लेकिन कल मुझे जाना है कुंजाम पास. अगर पास कुंजाम पास ऑलमोस्ट एट 50,000 फीट एंड आई डोंट नो हाउ दिस वन टेक इट. रोहतांग तक तो चली जाएगी लेकिन कुंजाम जाएगी नहीं मालूम नहीं. सो आई बी रियली वेरी प्रिपेयर्ड टू मॉरो. सो राइट नाउ या दैट वॉज नाको पीछे नाको लेक गई है. इट इज द हाइएस्ट पॉइंट. I don't even know, maybe it is at 10,000, 12,000 feet, whatever it is. I'm still climbing, I'd still climb and then go down to the Spiti Valley. And I can't, you know, like, stop that much. Almost 12,500 feet ये मलिंग नाला मैंने क्रॉस किया है और अब ये डाउनहिल जाने वाला है. You can see, I've crossed it. Probably just have to stop it a bit here. I crossed the pass at 12,600 feet in this thin air of Lako, going to Spiti village. तकलीफ मुझे सच पास में भी नहीं हुआ था जो 13,500 फीट पे था. सेम टेरियन बड़ी टेरियन हियर ऑल लैंडस्लाइड टेरियन समवेयर डाउन आई विल हैव टू गो डाउन एंड एडजस्ट माय बैग. तो होपफुली नाउ फ्यूल ऑक्सीजन मिक्सचर विल बी गुड बिकॉज इट्स ऑल डाउनहिल एंड दिस इज शूटिंग स्टोन एरिया एंड आई विल हैव टू manage everything. So now from here, the next stop should be Subro or Thapo, I think it's Thapo, which will be in the Spiti Valley. And now the scooter is going well, so yeah, it was just chucking for pressure. Approaching downhill terriers, the Spiti River now. Spiti River, you can say, I don't know the name. Such a gorgeous view. Still not reached Thapo, but yeah, the views here are so good that I have to keep on getting it. You can see the curves, just so amazing. We move towards the entrance of Spiti Valley, you are still in Kinnaur. First time in my life I have a shots of the board. Everybody starting. आगे पीछे करना पड़ा लेकिन फाइनली हो गया. बस ये बिल्कुल ऑन अरे आगे भी बैक गए. बस मैं कहता हूँ गोल्डन शॉट्स ड्यूरिंग द रोड फ्रॉम काजा टू मनाली. अभी तो जैसे चढ़ना आ जाती है स्कूटर पुलिस करने लगती है. I don't know why. We are not even at an elevation now. पानी भी नहीं पिया हूँ लेके भी नहीं आया हूँ. सो आई एम लुकिंग इफ आई कैन फाइंड द शॉप समवेयर टू ड्रिंक.
So I am passing it to Sumudo now. So Mithri area, Mithri cantonment area. तभी यहाँ से सबसे चढ़ाई होगी. Again, वो अबाउ वन गोज टू फॉरिक एंड इज द डाउन वन गोज टू ताजा ताबन. सो नाउ गोइंग टू ताजा दैट टू अबाउ फॉरिक इज अ हाफ पास एंड देयर आई गो टू इंटर पास इज दिस या सो नाउ आई एम वे टू मकाडी नस्ता फॉरिक पे जाता है सा हाईलाइन एरिया बॉर्डर एरिया. Now, only as you can see, so now it is going to get really, really dusty from here. और अभी स्पीति का एंट्रेंस यहीं से वहीं से होगा. मेरे पास ज़्यादा अभी मेमोरी बचा नहीं है. मे बी 8 दिस इज प्रीटी ऑफिशियल स्टिल नॉट स्टार्टेड. ऑर्डर अभी आपको दिखाऊंगा मैं आएगा ज़्यादातर मेमोरी जब कम हो जाती है तब अभी क्या शुरू किया नहीं पर एंट्रेंट टापो मेरे सामने आप रोड देख सकते हैं. टंग टॉप इज 196 किलोमीटर एंड काजा इज 46. सो कल 150 किलोमीटर एक कटिंग ये होगा. स्कूटर टॉप से जाना है एंड आई डोंट नो अबाउट दिस स्कूटर कितना जा रहा है. आप लोगों से गुजर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रेफ्रेशमेंट से कुछ मिल जाए. Away from Tabo to Taza, he said, "Dekha hai, the rasta ekdam narrow hote ja rahe hain." I managed to get 12 minutes of more video. Probably Taza tak video ho jaye. Basically, मैं आते हैं. Sorry, मैं आपको स्पीड बैंक को बता नहीं पाया कि दरबार से स्पेसिफिक हो वेलकम टू स्पीति वैली बिफोर ताबो एंड ताबो लेकिन वो किधर गया मालूम नहीं. ए बी उन्हें निकाल दिए या बह गया मुझे दिखा नहीं. किसी का ताबो ऐसे कितना फाइन एंड रेफ्रेश भले आदमी ने होटल में थोड़ा पानी पिला दिया एंड नाउ काजा इज लाइक 38-37 उसके पहला रीजन है कि मैं जल्दी जाऊँगा तो वो पागल नाला है ब्रह्मपुत्र के बाद वहाँ पर शायद पानी पकड़ी है मुझे क्रॉसिंग. एंड सेकेंड थिंग इज आई एम रियली गुड नॉट श्योर इफ दिस एक्टिव कैन मेक इट द पिंडर पास पता नहीं एक्सेस होता था 100% जल्दी जाती थी लेकिन 12:30 तक फिट फिट सो I don't know. I'll have to check it out tomorrow. And the one thing I've learned is not to go up the scooter on the incline. It's like the rims. I don't know.
जब ऊपर लेके जा रहे हो तो याद रखना जब आप टॉप पर पहुँच जाओ उसके बाद उसको टिकटा घंटी करना है और फोटो वोटो तभी कर लेना उसके पहले। सो राइट नाउ एंजॉय दिस बैरन लैंड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपको दिख रही है, यू कैन सी दिस रोज। डोंट बी लाइक एक्साइटेड कि गाड़ियाँ नहीं आ रही है, बेसिकली रोड बिजी होता है, इतने हो लोग ट्रैफिक जाम हो जाए बढ़िया। इट्स वेरी रिसेंटली बिजी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रोड ब्लॉक हो चुका है, सो वो कार सब कमिंग हियर बिकॉज ऑफकोर्स पेट्रोल की किल्लत तो है ही, सारा पेट्रोल अभी मनाली से ही मंगाना पड़ेगा। सो इट्स बिट ऑफ बम्पी रोड यू कैन सी, एंड यू नो ऑलवेज कीप ऑन वॉचिंग फॉर रॉक स्लाइड्स। और ये रास्ता थोड़ा केयरफुल रहना है, मुझे भी रहना है, ये ग्रेवल है, ग्रेवल पे अगर मैं तुरंत ब्रेक मार दूँ तो स्किड होने के चांसेस ज़्यादा है, स्लग से खराब ये होता है, ग्रेवल होता है, ट्रेवल स्पोर्ट्स होते हैं। फॉर मी एटलीस्ट दिस आई फाइंड दैट मोर मेड इट मोर डिफिकल्ट टू नेविगेट स्लग्स, ये आई डोंट लाइक। बट योर फर्स्ट टाइम टू plan the parking facility, this is covered for you, right? And I am sure tomorrow major part of the road will go down, will be like this. I'm not expecting any tar road. Someone told me that road is good, but I don't know. Itna achha hua rahega. Kam se kam subah itna to achha rahega hi. This is like totally washed out road. And यही ऐसे रास्ते मानेंगे जब आप पहुँच के थोड़ा आराम करना होता है। ऑलरेडी रीच कहा था 236 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव ऑन स्कूटर, देयर इज नॉट एनीथिंग अबाउट 120 इज स्कूटर इज डूइंग वेल, जबकि टायर्स भी चेक करने पड़ेंगे क्लियरेंस वगैरह के साथ गए। जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने धनकर गुम्पा है, तो दिस इज द धनकर मॉनेस्ट्री, फेमस वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस फॉर टूरिस्ट आजा के नजदीक है। धनकर मॉनेस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्रीज, कुछ अपने रिश्वत हो सकती है वो की मॉनेस्ट्रीज बन की मॉल शब्द थोड़ा सी कमर्शलाइज हो गई है और सिर्फ कमर्शलाइज बहुत सारे मॉडर्न टेम्पल्स हुए दिस स्टिल स्टिल मेंटेन्स इट्स चार्म। एंड इट विल गो अप यहाँ से, अभी आपको शायद ऊपर दिख जाए रास्ते से। सो जस्ट लाइक दिस फ्रॉम गाजा ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्रीज बीन देयर मेनी टाइम्स, गाजा पहुँचना सफर है। सो यार सो इफ यू आर हियर एंड जस्ट देख लो राफ्ट गाजा 330 का तेल भरा लिया है और एस्केप इन करके है 120 मीटर्स पे ही, यहाँ पे वहाँ पे चला जाऊँगा बिकॉज मेरी क्लोज था एंड 1000 रुपये मेरे बताया उन्होंने, देख लेते हैं क्या वो मिलता है। सो ये स्कूल में क्या ये मॉनेस्ट्री है एंड दिस इज गाजा ठीक है, फिर आपको सुनना ही अनिल अहमद काजा, शाम के 6 बजे है, पेट्रोल भरा लिया 300 रुपये का, टंकी फुल हो गया, नाव एक्स्ट्रा 6 लीटर्स। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन SD कार्ड बिकॉज प्रॉब्ली 128 GB का ले लूँ कैन शुड बी इनफ फॉर मी विद द पास ओवर 2 डेज। यहाँ पे ये मुझे एस्केप इन होटल रूम मिला है 1000 रुपये में, मैंने डायरेक्टली बात कर ली, सुबह मनाली जाना है एंड राइट नाउ इंडिया पाकिस्तान मैच इज गोइंग ऑन एंड आई एम थिंकिंग आई विल गो एंड विजिट सम कैफे एंड वेदर इज टीवी एंड प्रॉपर्ली वॉच इट जस्ट चिल अ बिट, क्योंकि बहुत थकान हो गए, 236 किलोमीटर्स हो गए स्कूटर पे एंड टुमारो ऑल्सो इज अ बिग राइड। आई एम एट कैफे पीटी, ये स्पीटी का वन ऑफ द मोस्ट नोन कैफेज है और मैंने इसके बारे में रिव्यूज़ पढ़े थे
जस्ट कम हियर टू हैव सम फूड एंड सम फ्रेश रिफ्रेशमेंट अप बिकॉज मुझे मेमोरी कार्ड खरीदना था बहुत महंगे में बहुत स्लो कार्ड मिला बट आई कैन डू एनीथिंग जस्ट हैव टू ट्राई इट आउट 128 GB सो आई विल बी यूजिंग इट माय ओल्ड कैमरा क्योंकि नए कैमरे में तो जाएगा नहीं वो इतना फास्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा 5.7 के भी ओल्ड कैमरा ले ली एंड प्रोबेबली आई विल सी इफ आई गेट सम गुड फुटेज एंड देन होपफुली यू नो इट गोस टू मनाली.